हेलो 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 चलिए वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत पत्र अग्निपत पत्र तू न थकेगा कभी तू न थमेगा कभी तू न मुड़ेगा कभी कर सपथ कर सपथ कर सपत अग्निपथ अग्निपत अग्निपथ यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ 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 अग्निपथ 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 नमस्कार दोस्तों सबको जोहार नाम और छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं डेली आपको यूट्यूब पर एक बजे से क्लास करवाता हूँ लेकिन आने वाले तीन दिन तक यानी कि आज छोड़ के मतलब कल कल यानी कि सैटरडे संडे और मंडे ये तीन दिन मैं आप लोगों को YouTube पर क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा है ना ये तीन दिन आपको क्लासेस जो मिलेंगी वो स्पेशल क्लासेस मिलेंगी स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास को कैसे ज्वाइन करना है तो अनकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए है ना या इसी के वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए वहां पर मैं लिंक भेजता हूँ लिंक को क्लिक करिए सीधा ज्वाइन कर दीजिए और अभी तक आपने अन पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लीजिए तो ये शुरुआती इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बता दूँ कि आने वाले तीन दिन सैटरडे संडे और मंडे यूट्यूब पर क्लास नहीं हो पाएगी हमारे कुछ पेड बैचेज हैं जैसे झारखंड क्लर्क एग्जाम 2023 हिंदी पेपर टू का बैच है जे एस सी पेपर थ्री का बैच है संपूर्ण झारखंड जीके जीएस का बैच है कंप्यूटर फाउंडेशन बैच है जे फाउंडेशन बैच है संपूर्ण खोटा लैंग्वेज बैच है न इन सभी बैचेज में आप इनरोल करवा के अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दे सकते हैं टाइमिंग टाइमिंग एक ही बजे से जो यूट्यूब पर जो क्लास एक बजे से हो रही है वो एक बजे से ना होकर के स्पेशल पर होगी और स्पेशल की क्लास स्पेशल की टाइमिंग मेरी रेगुलर वाली जो टाइमिंग है वो रात में दस बजे है वो तो रहेंगे ही रहेंगे ठीक चलिए अब हम लोग आज के सफर का शुरुआत करते हैं कितने लोग जुड़ चुके हैं नीतीश कुमार शौकत टॉक्स नंद कुमार यादव बिल्कुल नंदलाल जी लेते रहेंगे कुमारी प्रियंका प्रियंका दुबे बबली बब्लिकम रोशनीता बरवा अरविंद करकेट्टा सुमित सिंह प्रियंका दुबे टॉक्स चलिए बहुत अच्छा मंतोष बेदिया चलिए सबका स्वागत अभिनंदन वंदन और चंदन दोस्ती एक और बात मैं बता दूं कि जो मेरी टाइमिंग है वो स्पेशल क्लास की टाइमिंग स्पेशल क्लास की टाइमिंग जो है डेली रात में दस बजे डेली रात में दस बजे ज्वाइन जरूर करिएगा स्पेशल क्लासेस के बहुत सारे फीचर होते हैं आपको जरूर मजा आएगा और यूट्यूब क्लास की टाइमिंग जो होती है यूट्यूब क्लास की टाइमिंग दिन में एक बजे दिन में एक बजे लेकिन मैं अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था कि आने वाले तीन दिन तक ये जो यूट्यूब पर दिन में एक बजे होता था वो अब स्पेशल में ही होंगी मेरा नाम नहीं लिए सर क्यों नहीं लेंगे जो ही भगत और अगर अभी तक अन पर मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो सब कोई फॉलो कर लीजिएगा और अगर कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड ए के आर फाइव का जरूर इस्तेमाल करिएगा ए के आर फाइव ठीक चलिए आप सभी को पता है कि मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज करवा रहा हूं और एनालॉगी चैप्टर से मैंने अभी तक आपको दो सौ सवाल करवा दिया है और कल रात में पचास सवाल मैंने स्पेशल पर करवाया है यानी कि ढाई सौ सवाल अब इन सवालों की पीडीएफ आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं तो स्पेशल क्लास ज्वाइन करिए वहां पर इन सभी की पीडीएफ डायरेक्ट आपको मिल जाया करेगी ठीक है ये मैं क्वेश्चन एक एक करके दिखा रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं दो सौ ढाई सौ तक ये प्रश्न की सीरीज हो चुकी है ढाई सौ तक ढाई सौ तक आज हम लोग को शुरुआत करना है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वन से क्या सबको यह बात पता है वी प्रोसीड फ्रॉम एक बार सेशन को शेयर करिए और आइए चलते हैं शुरुआत करते हैं आज की क्लास का दो सौ पचास क्वेश्चन तक हो चुका है चलिए उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए युग्म के दो शब्दों के बीच में ओसिल पेलियंटोलॉजी बताइए कौन सा आंसर होगा सुमित सिंह जी डी बोल रहे हैं नेहा पटेल सी बोल रही तो है देखो ये नॉलेज बेस्ड सवाल है जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी बोलते हैं चलिए कुछ लोग सी और डी में थोड़ा सा टक्कर चल रहा सी और डी में टक्कर चल रहा है क्यों चल रहा है भाई नॉलेज बेस्ड सवाल होते हैं ये सब भाई फॉसिल्स के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी बोलते हैं प्लांट के अध्ययन को बोटनी बोलते हैं क्या दिक्कत है ऑप्शन नंबर डी बी विधान जी क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी टू तिरपन का संबंध चार सौ सतहत्तर से है तो वैसा ही संबंध कहां दिया हूं तिरपन का संबंध चार सौ सतहत्तर से है विचार करिए कि तिरपन का संबंध चार सौ सतहत्तर से आखिर है तो कैसे पहाड़ा पढ़ो तो नौतीस सत्ताइस नौ पचास पैंतालीस दो हो तो गया तिरपन का ये नौ गुना है तो पचपन का तो ये नौ गुना नहीं है चार सौ पचास का ये नौ गुना नहीं है नहीं है आंसर डी हो जाएगा देखो इसको नौ से करो नौ नौ इक्यासी नौतीस सत्ताइस आठ पैंतीस ठीक है जैसे ये नौ गुना है वैसे मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का इनमें से किससे पनिशमेंट से सोसाइटी से पुलिस से या रिवार्ड से तो मेहनत ही सफलता का राज है यानी कि हार्ड वर्क रिजल्ट इन सक्सेस क्राइम रिजल्ट इन व्हाट पनिशमेंट क्राइम का क्या रिजल्ट होगा मिलेगी मिलेगी सजा मिलेगी, से बचना चाहिए प्रश्न संख्या टू फिफ्टी फोर आठ नौ और एक सौ पैंतालीस वो ऐसा ही कहां पर दिया हुआ है आठ नौ और एक सौ पैंतालीस कॉपी पेन लेके बैठिएगा तो थोड़ा सटीक पढ़ाई होगा मतलब आप पढ़ पाइएगा आप देखिए ना यहाँ पर आठ का स्क्वायर प्लस नौ का स्क्वायर कर दीजिए एक सौ पैंतालीस हो जाएगा आठ का स्क्वायर चौंसठ नौ का चौंसठ एक सौ पैंतालीस ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं ये हो जाएगा देखो छ का स्क्वायर छत्तीस सात का स्क्वायर उनचास छत्तीस प्लस उनचास कितना हो जाएगा पचासी तो जो रिलेशन इन नंबर के बीच में है वही रिलेशन ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया उन नंबर के बीच में क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी फाइव चौरानवे चौरा चौवालीस और बेरासी के जैसा निम्न में से कौन सा है बड़ा गजब का सवाल है माइनस का पचास तो माइनस का पचास तो कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है ये तो लॉजिक सड़ेला लॉजिक हो जाए इसको ऐसा करें चौरानवे को दू गुना सैतालीस लिख दें और बेरासी को दो गुना इकतालीस लिख दें इकतालीस दूना बेरासी यानी कि दोनों को हाफ हाफ कर दिए तो सैतालीस और इकतालीस ये देखो सैतालीस और इकतालीस चार चार आठ अट्ठासी और अट्ठासी का ये हाफ हो जाएगा बीच वाला नंबर यानी कि पहला और तीसरा नंबर का आधा पहला और तीसरा नंबर का आधा और उसका भी आधा बीच का नंबर है ऑप्शन नंबर डी को देखिए इसका आधा कितना चौबीस इसका आधा कितना अड़तीस अड़तीस जितना छिहत्तर होता है फिर इसका आधा कितना बारह और इसका आधा कितना उन्नीस बारह प्लस उन्नीस कितना मिल गया इक्कीस तो जैसा ये है वैसा ही ये है ऑप्शन नंबर डी जाइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या टू फिफ्टी सिक्स आर डी पी सी एन एच एल जी तो एसके डी जी क्या बताइएगा सारे लोग आर अठारह पर एन चौदह पर तो माइनस का चार डी चार पर एच आठ पर तो प्लस का चार सोलह पर एल बारह पर तो माइनस का चार टी तीन पर जी सात पर तो 4. 4 4, 4 4. 4 e प्लस का चार माइनस चार प्लस चार माइनस चार प्लस चार उन्नीस माइनस चार पंद्रह एगारह प्लस चार अगेन पंद्रह चार माइनस चार जेड सात प्लस चार ग्यारह जेड के प्रणाम कृष्णा कृष्णा राम प्रणाम भाई खूब खुश रहो वैष्णवी इस प्रश्न का उत्तर दें सारे जने टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है मन लगा के पढ़ते जाना है और सेशन को शेयर करते चलिएगा थोड़ा सा प्रणाम प्रणाम प्रियंका प्रणाम आठ का स्क्वायर माइनस छ का स्क्वायर तो क्या तो आठ का स्क्वायर चौसठ छ का स्क्वायर छत्तीस चौसठ में से छत्तीस गया अट्ठाईस ढूंढो के वैसा ही कहां पर है तो सात का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर बराबर पैंतालीस मारो मोहर लगाओ ठप्पा यही आंसर होगा पक्का पक्का आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी एट चार का संबंध उनचास से चार का संबंध किससे भाइयों उनचास से कोई बताएगा तो भाई उनचास सात का स्क्वायर होता है चार में तीन जोड़ दो सात तो आठ और ये चार जोड़ने पर आठ चार बारह का स्क्वायर ये आंसर नहीं होगा छ जोड़ने पर आ रहा है पांच चार जोड़ने पर आ रहा है आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि सात और ये दस का स्क्वायर है प्लस तीन ऐड कर दीजिए आंसर आ जाएगा वेटर का संबंध सर्व से है तो वैसा ही संबंध कहाँ दिया हुआ है? वर्क ऑफ वेटर वेटर का काम क्या करना है सर्व मैकेनिक का काम क्या करना है रिपेयर करना है प्रश्न संख्या टू फिफ्टी टू सिक्सटी डी एफ एच जे का संबंध ओ क्यू एस से है तो सी जी जी के का संबंध किससे हो डेमोन नहीं नहीं कहा हो रहा अब ठीक है ठीक है कविता प्लस नौ जोड़ रहा है देखो चार नौ तेरह छह नौ पंद्रह आठ नौ सत्रह सत्रह दस नौ उन्नीस तो तीन नौ बारह एल सात नौ सोलह एल पी पी एगारह नौ बीस टी एल पी 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 टी एल पी 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 टी एल पी 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 टी आ जाइए किस्मोलॉजी का संबंध अगर अर्थ क्वेक से है तो वैसा ही संबंध कहाँ दिया हुआ है जी का संबंध अर्थपे से है तो वैसा ही संबंध बहुत अच्छा है रोहित वर्मा अंशिका गलत आंसर प्रियंका नीतीश रोहित विकेश रवि स्नेहिल प्रियंका आम राजपूत प्रियंका ठाकुर वेल डन वेल डन A study about earthquake is called seismology. Similarly, a study about the bird is called ornithology. Option number B will be the correct answer. Ajay, next. Man is related to mammal. Rat is related to what? मैन किस क्लास का तो मैमल मैन मनुष्य स्तनपायी होते हैं तो चूहा चूहा क्या होते हैं कृंतक होते हैं रोडेंट होते हैं आ जाइए मस्त सवाल ये तो खुद हो गया ये हो गया छे का स्क्वायर और ये हो गया छे का पावर फोर तीन तीन का स्क्वायर तीन का पावर फोर आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा अजय प्रश्न संख्या टू सिक्सटी फोर अरे बाबा तीन का स्क्वायर अब प्लस पांच का स्क्वायर कर दो चौतीस यहां देखो ऑप्शन नंबर बी में चार का स्क्वायर प्लस सात का स्क्वायर पैंसठ जैसा ये वैसा ही है यही तो सिमिलर सेट का लाता है किडनी इज रिलेटेड टू एक्सकर्सन एक्सक्रेशन हार्ट इज रिलेटेड टू किडनी इज रिलेटेड टू एक्सक्रेशन तो हार्ट इज रिलेटेड टू व्हाट किडनी का संबंध उत्सर्जन से तो हृदय का काम क्या है भाई ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन वेल डन भाई आ जाओ टू सिक्सटी सिक्स भाई दो दो का स्क्वायर और दो का क्यूब ये देखो चार चार का स्क्वायर चार का क्यूब ऑप्शन नंबर डी जिंक ब्रास जिंक ब्रास जस्ता पीतल वैसा ही संबंध क्या हाँ पर जिंक एंड ब्रास कॉपर एंड ब्रोंज दोनों सिमिलर रिलेशन रखते हैं उन्नीस का ये बीस गुना बारह का ये तेरह गुना नहीं सत्रह का ये अठारह गुना नहीं चौदह का ये पंद्रह गुना नहीं है तेरह का ये चौदह गुना तेरह गुना चौदह करो एक सौ बरासी आ जाए कंटिन्यूस प्राइम नंबर पांच सात और ग्यारह कंटिन्यूअस प्राइम नंबर है पंद्रह सत्रह बीच में उन्नीस आएगा सोलह तो प्राइम है नहीं तेईस हाँ ठीक है तेईस उनतीस इक्कीस जिस तरह से पांच सात और ग्यारह कंटिन्यूस प्राइम नंबर है तेईस उनतीस और इक्कीस कंटिन्यूस प्राइम नंबर अजय एट टू सेवेंटी नीतीश कुमार जी का आंसर आ गया डी कपिल कुमार जी का बी रोहित वर्मा का डी कुमारी प्रियंका का बी प्रियंका ठाकुर का बी रोहित वर्मा का प्लस हाँ प्लस फोर लॉजिक इज अप्लाइंग हर लेटर में प्लस चार प्लस चार कर दीजिए तो आगे वाला लेटर मिल जाएगा तो एस में प्लस चार करिए डब्लू ए में प्लस चार कीजिए ई एल में प्लस चार कीजिए पी और क्यू में प्लस चार कीजिए यू W, U यू w, E पी यू ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी वन टू सेवेंटी वन बताइएगा सारे लोग बताइए सारे जने गलत आंसर अविनाश कुमार आठ इसमें कॉमन ले लो तो इसको टू इंटू एट लिख सकते हैं इसको थ्री इंटू एट और इसको एलेवन इंटू एट यानी कि टू एन थ्री एन और एलेवेन एन के फॉर्म में है ऑप्शन नंबर डी को देखो दो से चलो या सात से तो सात दुना चौदह सात तिया इक्कीस सात गुना ग्यारह तो ये भी हो गया एन बराबर सेवन को एन मान लो तो यह भी आ गया टू एन 3N और एलेवन एन के फॉर्म में ऑप्शन नंबर डी विल विदांश् संख्या दो सौ बहत्तर भाइयों एवं बहनों देवियों एवं सज्जनों थोड़ा सा सेशन को शेयर करते रहिए एकदम जोर लगा के मस्त तंदुरुस्त टाइप से होना चाहिए ये तो सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है सुरमा नहीं विचलित होते एक नहीं धीरज खोते विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं ग्यारह तीन चौदह यानी कि पहले प्लस तीन फिर माइनस तीन फिर प्लस तीन और फिर माइनस तीन करो उन्नीस तीन बाईस अट्ठाईस में से तीन गया पच्चीस के बाद वाई दस तीन तेरह पच्चीस में से तीन गया बाईस भी वाई एम भी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पच्चीस का संबंध अगर छः सौ से है पच्चीस का संबंध अगर छ सौ से है तो इस ऐसा ही कहा है तो पच्चीस कम पच्चीस दुना पचास दस सौ पच्चीस चौके सौ यानी कि पच्चीस से चौबीस बार में जा रहा एक कम पच्चीस को अगर चौबीस से गुना कर दे तो छह सौ एक कम तो सोलह गुना तेरा नहीं होगा बीस गुना उन्नीस नहीं होगा चौदह गुना तेरा नहीं होगा अठारह गुना सत्रह कर दो से हाथ में तीन सत्रह सत्रह तेरह तीस खत्म जैसा वो है वैसा ही ऑप्शन नंबर बी है आ जाइए नेक्स्ट गाइनाइकोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू तो वेमेन पीडियाट्रिक्स इज रिलेटेड टू तो वॉट ट्रीटमेंट मेन ह्यूमन बींग्स चिल्ड्रन वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा दोस्तों लाइक एंड शेयर शेयर इज केयर शेयर इज केयर भाई गाइनाकोलॉजी जो होता है इज द साइंस डील्स विद द विमेन पीडियाट्रिक्स इज द साइंस डील विद द चिल्ड्रेन बहुत अच्छे आ जाइए नेक्स्ट छप्पन अड़तीस छियानवे का जो संबंध है वैसा ही संबंध निम्न में से कहा छप्पन अड़तीस छियानवे का जो संबंध है वैसा ही संबंध निम्न में से कहां है बताइएगा सारे लोग छप्पन का आधा अट्ठाईस छियानवे का आधा अड़तालीस अट्ठाइस और अड़तालीस को आधा कर दो तो तो अट्ठाइस का आधा चौदह अड़तालीस का आधा चौबीस चौदह प्लस चौबीस बराबर अड़तीस एक सवाल ऐसा हम लोग किए थे अगर आपको याद होगा तो नहीं तो बातें अलग है सोलह का आधा आठ आठ का आधा चार चालीस का आधा बीस बीस का आधा दस चार प्लस दस बराबर चौदह मारो मोहर लगाओ ठप्पा यही आंसर होगा पक्कम पक्का बोलो यस नो आ जाइए टेलीफोन का संबंध कम्युनिकेशन से है तो वैसा ही संबंध कहाँ दिया हुआ है टेलीफोन का संबंध कम्युनिकेशन से है तो वैसा ही संबंध निम्न में से कौन सा है तो आप, आपको पता है कि टेलीफोन इज यूज कम्युनिकेशन टेलीविजन इज यूज फॉर एंटरटेनमेंट खत्म बात क्वेश्चन नंबर दो सौ सतहत्तर दो का संबंध अगर आठ से है तो वैसा ही कहा है दो का संबंध आठ से तो वैसा ही कहा है? आपको पता है कि ये दो है और ये दो का क्यूब है तो ये आठ का क्यूब नहीं है ग्यारह का क्यूब नहीं है नौ का नहीं है सात है तो सात का क्यूब दिया हुआ है तीन सौ तैतालीस तो होता है नंबर स्क्वायर दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर पांच का छ का आठ का ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ छ का नौ का यह तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ चार का छ का सात का कंटिन्यूअस नहीं हुआ आंसर डी कर दो ये सात का स्क्वायर ये आठ का और ये नौ का तो जिस तरह से ये तीनों लगातार संख्याओं के स्क्वायर थे उसी तरह से ऑप्शन नंबर डी में भी लगातार संख्याओं के स्क्वायर थे कम टू द क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी नाइन प्लस तीन माइनस तीन प्लस तीन माइनस तीन इक्कीस तीन चौबीस एक्स से शुरू होगा एक्स से माइनस तीन करो तो उन्तीस में से तीन गया अच्छा छब्बीस जेड कहानी करो खत्तम कहानी करो खत्तम क्या करोगे कहानी पूरा पढ़ के जब इतना ही से आंसर आ जा रहा है वास्तुकार का संबंध गृह नक्शा से है तो वैसा ही संबंध कहाँ किस में दिया हुआ है आर्किटेक्ट हाउस मैप को डिजाइन करता है कारपेंटर फर्नीचर को डिजाइन करता है बनाता बीमारी का संबंध मधुमेह से है तो वाहन का किससे होगा तो आपको पता है कि मधुमेह एक बीमारी है डायबिटीज इज अ डिजीज वेहीकल यानी कि कार इज अ वेहीकल खत्म बस कार इज अ वेकल आ जाइए प्रश्न संख्या 282 में अट्ठासी छप्पन और बहत्तर है वैसा ही इनमें से किकर में है तो अट्ठासी का आधा चौवालीस चौवालीस का आधा बाईस बहत्तर का आधा छत्तीस छत्तीस का आधा अठारह नहीं बाईस अठारह तो चालीस होगा यहाँ छप्पन दिया चौवालिस छत्तीस चार छ दस चार तीन सात एक आठ अस्सी होगा नहीं गड़बड़ा जाएगा ये नहीं चल रहा है ये नहीं चल रहा है एक काम करते हैं शुरू का दो नंबर का आधा चौवालीस छप्पन का आधा अट्ठाईस चौवालीस प्लस अट्ठाईस बहत्तर चला हो गोलो कहला हो गोलो जी तो छियासठ का आधा तेतीस अड़तालीस का आधा चौबीस तेतीस प्लस चौबीस बराबर संतावन ऑप्शन नंबर डी मारो मोहर लगाओपा यही आंसर होगा और बोलो 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 क्या पक्कम पक्का क्वेश्चन नंबर टू एटी थ्री आठ सत्ताईस चौसठ ऐसा ही कहा दिया है अरे बाबा ये टू का क्यूब ये थ्री का क्यूब और ये फोर का क्यूब कंटिन्यूअस क्यूब है ये तो उन्चास का करो क्यूब है नहीं पांच का क्यूब ये छ सौ छत्तीस किसी का क्यूब नहीं पाँच सौ उनतीस किसी का क्यूब नहीं आंसर मारो ऑप्शन नंबर डी ये सात का क्यूब ये आठ का क्यूब और ये नौ का क्यूब तो जैसे वो कंटिन्यूस नंबर्स के क्यूब थे ये कंटिन्यूस नंबर के क्यूब है खत्म करो बात आ जाओ नेक्स्ट सवाल हृदय का परिसंचरण से ठीक वही संबंध है जो संबंध फेफड़ों का किससे है बताइए एक्सक्रेशन रेस्पिरेशन रिब्स एंड ऑक्सीजन हार्ट इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन लंग्स इज रिलेटेड टू वॉट भाई हार्ट का, का काम है सर्कुलेशन लंग का, का काम है रेस्पिरेशन ऑप्शन नंबर बी मारो मोहर ठप्पा क्वेश्चन नंबर टू एटी फाइव बारह का संबंध एक सौ दो से है तो वैसा ही कहा दिया हुआ है बताइए इसका आंसर सर एक मोटिवेशनल स्टोरी अच्छा पढ़ने को हमारे बेटा पढ़ाई कर ले 12 को साढ़े आठ से गुना करो 12 आठ छियानवे और छो एक सौ होगा तो वैसा ही कहां पर दिया हुआ है आठ अठे चौसठ हाँ ये 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 साढ़े आठ कर दो अड़सठ ही तो आएगा ऐसे करोगे आठ अठाई और चौसठ का आधा आठ का आधा चार चौसठ चार अड़सठ कहानी खत्म क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज का संबंध अगर फिटनेस से है तो वैसा ही संबंध कहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज का संबंध फिटनेस से है तो वैसा ही संबंध कहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज प्रोवाइड अस फिटनेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड अस कवरेज कदम बात आज चार इकतालीस पांच वैसा ही, कहां प्रदिया हुआ वैसा ही कहां दिया हुआ है वैसा ही कहा दिया हुआ है बोलिए अरे बाबा चार का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर चार का स्क्वायर सोलह पांच का स्क्वायर पच्चीस पचीस प्लस सोलह इकतालीस यहाँ देखो पांच का स्क्वायर पच्चीस छह छत्तीस पच्चीस नंबर डी मारो मोहर लगाओ ठप्पा यही आंसर होगा पक्कम पक्का राम राम से सिप्रा आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू एटी एट दन दना दन दन चलते रहना है तू न थकेगा कभी तू न थमेगा कभी कर सपथ कर सपथ कर शपथ अग्निपथ 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 आ जाइए ग्यारह दो तेरा यानी कि प्लस दो माइनस दो प्लस दो माइनस दो तुम भी कर दो ए प्लस टू सी सी माइनस टू ए सी ए सी ए जेड प्लस टू बी और एन माइनस टू एल सी ए बी एल ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर आ जाइए पारा का धातु से ठीक वही संबंध है जो मेढक का पारा का मरकरी इज रिलेटेड टू मेटल इन द सेम वे फ्रॉग इज रिलेटेड टू आंसर करना भाई आंसर करना देर नहीं होना चाहिए भाई आपको पता है कि पारा एक धातु है और मेढक एक क्या है एम्फीबियन है उभयचर है वेल डन भाइयों एक ग्यारह का संबंध 120 से एक ग्यारह का संबंध 120 से तो ऐसा ही संबंध निम्न में से कहा दिया हुआ है एक ग्यारह का संबंध 120 से तो ऐसा ही संबंध निम्न में से कहा दिया हुआ है तो बोलिएगा सर जी 11 का स्क्वायर माइनस वन ये तो आठ का स्क्वायर प्लस वन हो गया ये तो बारह का स्क्वायर हो गया सीधा सीधा ये तो सत्रह का स्क्वायर हो गया सीधा सीधा यहां देखो दो का स्क्वायर माइनस एक ऑप्शन नंबर डी मारो मोहर ठप्पा यही आंसर होगा पक्का पक्का क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी वन में आ जाइए डी एच एम आर का संबंध बीजे के टी से है तो एक्स सी ओ का संबंध निम्न में से किसके साथ होगा लॉजिक भरिए डी चार पर बी दो पर तो बोल सकते हैं कि पहले माइनस का दो हुआ है बोल सकते हैं कि पहले माइनस का दो फिर प्लस का दो फिर माइनस का दो फिर प्लस का दो कर दो माइनस uh, का दो ही हो जाएगा प्लस का दो ई e हो जाएगा माइनस का दो एम हो जाएगा और प्लस का दो जी हो जाएगा भी ई एम जी ऑप्शन नंबर बी विल बी आंसर ऑप्शन नंबर बी विल विद आंसर आठ उनचालीस पांच आठ का स्क्वायर चौसठ पांच का स्क्वायर पच्चीस चौसठ में से पच्चीस गया उनचालीस चौसठ में से पच्चीस गया उनचालीस तो अब जरा ऑप्शन में नजर दौड़िए तो ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस आठ का स्क्वायर चौसठ एक सौ इक्कीस में से चौसठ घटेगा क्या बचेगा बच्चा ऑप्शन नंबर टी क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी थ्री टेम्पल का संबंध अगर वर्सिप से है तो वैसा ही संबंध कहाँ दिया हुआ है टेम्पल इज अ प्लेस फॉर वर्शिप मंदिर पूजा करने की एक जगह है स्कूल एजुकेशन की एक जगह है कदम बात क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी फोर पहला और तीसरा को जोड़ो तो तीन सौ साठ होगा दो पाँच पांच दस चार तीन साठ अब बीच में कितना निकल है पैंसठ तो तीन सौ साठ का आधा एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी ना हो जी एक सौ पैंतालीस और एक सौ पंद्रह अच्छा अच्छा एक सौ तीस ना तेरह दो न एक सौ पैंतालीस और एक सौ पंद्रह दो सौ साठ होगा ना सॉरी एक सौ तीस एवरेज होगा और एक सौ तीस का भी आधा कर दो बीच का नंबर मिल जाएगा खत्म बात यहाँ देखो एक सौ पचासी और पंचानवे को जोड़ो पांच पाँच दस अठारह दस अट्ठाईस दो सौ अस्सी दो सौ अस्सी का आधा एक सौ चालीस और एक सौ का आधा सत्तर तो जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा ही ऑप्शन नंबर बी है टेडपोल का संबंध अगर मेढक से है तो इल्ली का संबंध कैटरपिलर का किससे होगा तो आपको पता है कि टेडपोल इज द अर्ली स्टेज ऑफ मेढक तो कैटरपिलर इज द अर्ली स्टेज ऑफ बटरफ्लाई बच्चा का रिलेशन क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी सिक्स डिटेल्ड का मिटिकुलस डिटेल्ड का मिटिकुलस विस्तृत का सूक्ष्म उल्टा दिया हुआ है उल्टा कहाँ दिया हुआ है डिटेल्ड एंड मेट्रिकुलस आर एंटोनिम विस्तृत देखो सिनोनिम है फैट और हो जाएगा चर्बी मोटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दो का संबंध नौ से है तो दो का क्यूब प्लस एक कुछ चल रहा है बताइए टू का क्यूब प्लस एक यहां देखो चार का क्यूब प्लस एक चार का क्यूब चौसठ प्लस एक सैंसठ क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी एट में आ जाइए और बताइए इसका आंसर आठ को और अट्ठाईस को गुना कर दो अट्ठाईस चौसठ, आठ दो सोलह चार बीस। तो दो सौ चौबीस होगा और दो सौ चौबीस का आधा एक सौ बारह ऑप्शन नंबर डी को देखो नहीं डी नहीं सी को देखो चौदह और बावन को गुना करके आधा कर दो तीन सौ चौसठ मिल जाएगा एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहे हैं दो सौ बानवे का बी होगा क्यों बी होगा ग्यारह का एक सौ इक्कीस अच्छा और आठ का चौंसठ ग्यारह में से चार गया सात ग्यारह में से छः गया पाँच ओहो तो हो हो चौदह का स्क्वायर एक सौ छियानवे नौ का इक्यासी नौ में से एक गया पाँच उन्नीस मिनट हाँ बेटा सही बोला एकदम सही बोला भाई माफ़ करना दोस्तों माफ़ कर देना हाँ ठीक 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 डन आ जाइए टू नाइनटी नाइन टू नाइनटी नाइन टू नाइनटी नाइन चार है सात है और बीच में एक सौ है चार है सात है और बीच में एक सौ है क्या लॉजिक बनेगा तो चार का क्यूब ले लो प्लस में सात का क्यूब चार का क्यूब चौसठ सात का क्यूब लेकिन नहीं क्यूब नहीं स्क्वायर ले लो सात का स्क्वायर चार का क्यूब ले लो सात का स्क्वायर ले लो जोड़ दो अच्छा वैसा ही कहां पर दिया हुआ जरा देखना ढंग से पांच का क्यूब ले लो 125 और चार का स्क्वायर ले लो 16 दोनों को जोड़ दो एक सौ इकतालीस अरे मारो मोहर लगाओ ठप्पा आ जाइए तेहरा शतक मार दिए हम लोग तेहरा शतक कोहराम मचा दिए अरे बाबा तेहरा शतक मार दिया अरे बाबा थोड़ा शेयर करते रहो दोस्तों गुड आफ्टरनून आनंद प्रसाद चलो जल्दी से सेशन से से को शेयर करो फिर मैं प्रकट होता हूं। मुझे प्रकट करवाना है तो सेशन से से को शेयर करो तेहरा शतक मरवा दिए जी तुम तो लोग नाम नहीं ना लेगा भाई उनको पता है तुम तो लोग नाम नहीं लेगा तीन सौ क्वेश्चन एक एक चैप्टर से करवा रहे हैं अभी तो नाम लो झारखंड रजक जितेंद्र रजक कहाँ से हैं बताओ भाई गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तिरकी जी गुड आफ्टरनून प्रणाम 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 तिरकी जी बताइए क्या हाल चाल है हाँ तीन सौ का कितना सी बता रहे हैं बहुत सारे लोग प्लस तीन प्लस दो प्लस तीन प्लस दो ओके प्लस तीन प्लस दो प्लस तीन प्लस दो प्लस तीन प्लस दो प्लस तीन प्लस दो जी आर आर सी जी आर आर सी ऑप्शन नंबर सी आ जाइए तेरह शतक से भी आगे बढ़ते हैं बताइए कि उत्तर क्या होगा तो क्वेश्चन नंबर तीन सौ एक का और जल्दी से सेशन से को शेयर करो लग, बच्चों को बुलाओ है ना अपना जितना दोस्त यार सब है ना फालतू का काम में पड़ा होगा अगर छठ में लगा होगा तो खैर बढ़िया है सर संडे को डबल सेंचुरी मार दीजिएगा ना डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी मरा आ गया बात कर रहा तीन सौ एक का उत्तर दीजिए मानव मौर्य का आंसर आ गया बी मानव मौर्य का आंसर बी पूनम सिंह का भी जूही भगत का भी जितेंद्र रजक का भी टी गोरा का भी अरे सब का बी 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 कोई बताएगा कि का है जल्दी से सेशन को शेयर करके सौ के पार पहुंचाओ अगर मुझे प्रकट करवाना है तो हंड्रेड पार करो जल्दी से भाई ये चार का क्यूब है ये तीन का क्यूब है चार तीन जोड़ दो सात तो ये छो का क्यूब ये पांच का क्यूब छ पांच जोड़ दो ग्यारह एकदम सही बोला भाई वेल डन well आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीन सौ दो क्वेश्चन नंबर तीन सौ दो का उत्तर सारे लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीन सौ दो का उत्तर सारे जन बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीन सौ दो चलिए बी आंसर आ रहा है बहुत अच्छा आ, पिछला वाला का दे रहा है इसका आंसर तो जल्दी से सारे लोग मुझे प्रकट नहीं करवाना चाहते हो एक बार सेशन को शेयर कर देना दोस्तों शेयरिंग इज केयरिंग शेयर लाइक और अगर चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और स्पेशल क्लास में जुड़ना ना बोलना अन अकेडमी पर अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों और कमी हो रहा है जी ठीक है तो ऐसे ही पढ़ो तब मेरा चेहरा देख देख के तो लोग थक गया इसका मतलब जितेंद्र रजक जी का आंसर डी आ रहा है जितेंद्र रजक जी का आंसर डी आ रहा है पर कैसे आ रहा है वो तो उन्होंने बताया ही नहीं देखो ये 140 और ये 115 है जोड़ने से कितना हो जाएगा 255 दो सौ पचपन और पचासी का ये तीन गुना हो जाएगा यानी कि ए प्लस सी इज इक्वल टू इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं इसको सी मान लेते हैं तो ए और सी का जो सम है वो बी का तीन गुना है अब तुम देखो कि ऐसने कहा है अब तुम देखो कि ऐसने किस ऑप्शन में है तीन सौ दो में तो एक सौ पंद्रह और अस्सी को जोड़ो एक सौ पंचानवे वो पैंसठ का तीन गुना होता है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड एंड टू नाउ लेटस मूव इन क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो थ्री थ्री जीरो थ्री बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों चलो थोड़ा सा और जोर लगाओ दोस्तों थोड़ा सा जोर लगाओ सेशन को शेयर करते रहो लाइक एंड शेयर 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 Uh, बारह पांच सत्रह सोलह पांच इक्कीस तीन पांच आठ ग्यारह पांच सोलह पांच पांच जोड़ा है प्लस फाइव रूल इज अप्लाइड हेयर प्लस फाइव रूल आठ पांच तेरह अठारह पांच तेईस एम डब्ल्यू मारो मोहर लगाओ ठप्पा क्या करना है आगे बढ़ के आंसर जब कंफर्म हो ही गया तो दर्द का पीड़ा से ठीक वही संबंध है जो संबंध क्रोधी का दर्द का पीड़ा से ठीक वही संबंध है जो संबंध क्रोधी का किससे है उत्साह से बिटरनेस से ग्रैंडियोसिटी से या फ्यूरियस से तो भाई दर्द में पीड़ा होती है दर्द में पीड़ा होती है क्रोधी लोग उग्र होते हैं क्रोधी लोग क्या होते हैं उग्र होते हैं गुस्सेल प्रवृत्ति के लोग उग्र हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं व्यापारी का संबंध व्यापार से है मर्चेंट का संबंध ट्रेड से है तो ऐसा ही संबंध निम्न में कहा दिया हुआ है ऐसा ही संबंध लॉयर कोर्ट साइंटिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर ट्रीटमेंट इंजीनियरिंग साइंस चलिए बहुत अच्छे पार्थ मंडल जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे आंसर सी बहुत अच्छे मर्चेंट व्यापारी का काम क्या है जी व्यापार करना डॉक्टर का काम क्या है डॉक्टर का काम क्या है ट्रीटमेंट देना उपचार करना यह डॉक्टरों का काम है दूसरा भगवान डॉक्टर ही कहा जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो सिक्स में आ जाइए आठ का संबंध अगर एक सौ अट्ठाइस से है तो वैसा ही संबंध निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में है दस दो सौ बीस नौ एक सौ बावन बारह दो सौ अठासी छह बेरासी जल्दी से आंसर धनाधन धनाधन मारो मोहर लगाओ ठप्पा मारो मोहर लगाओ ठप्पा तो भाइयों आपको याद है कि आठ का स्क्वायर होता है चौसठ और उसको दो से गुना कर देंगे तो एक सौ अट्ठाईस तो दस का स्क्वायर सौ सौ गुना दो सौ है नौ का स्क्वायर एक्सी एक का डबल एक, एक सौ बासठ होगा हाँ बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस और एक सौ चौवालीस को दो से गुना कर दो सौ अट्ठासी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आ जाइए क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो सेवन अरे मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते चलिएगा लाइक का बटन दबाइएगा और अपने जितने भी दोस्त जो पढ़ने आज नहीं आए सबको शेयर कर दीजिए लाइक एंड शेयर लाइक एंड शेयर लाइक एंड शेयर का संबंध छप्पन से है तो सात अठे छप्पन अगला नंबर से गुना कर दिया अगला नंबर से गुना कर दिया यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है नौ गुना दस नब्बे ऑप्शन नंबर सी नौ गुना दस ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छे वेल्डन पांच आठ और नवासी पांच आठ और नवासी हमेशा बड़े नंबर को टारगेट करो हमेशा बड़े नंबर को टारगेट करो क्योंकि हमेशा बड़े लोग ही टारगेट होते हैं छोटो को कौन पूछता है हमेशा बड़े लोग ही टारगेट होते हैं छोटो को कौन पूछता है और बहुत से छोटे छोटे मिलते हैं तो ही एक बड़ा आदमी बनता है तो पांच का स्क्वायर पच्चीस आठ का स्क्वायर चौसठ पच्चीस प्लस चौसठ नवासी हो जाएगा तो सात का स्क्वायर उनचास दस का स्क्वायर सौ दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी एक सौ उनचास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आज ये क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो नाइन दोस्तों थ्री जीरो नाइन थ्री जीरो नाइन सोलह चौंसठ आठ सोलह चौसठ आठ सोलह चौंसठ आठ बताइए आंसर क्या बनेगा मानव मौर्या जी बहुत अच्छे आंसर एकदम धका धक धका धक देना है धका धक, धका धक धक अरे सोलह और आठ को गुना कर दीजिए सोलह आठ है एक सौ अट्ठाइस एक सौ अट्ठाइस का आधा पहला और तीसरा नंबर का गुणनफल और उसका आधा कर दीजिए बीच का नंबर मिल जाएगा पहला और तीसरा नंबर का गुणनफल फल पंद्रह आठ एक सौ बीस एक सौ बीस का आधा साठ मारो मोहर लगाओ ठप्पा यही आंसर होगा पक्का पक्का 310. 310. -E क्वेश्चन तो नंबर होगा बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों हम 310 तक पहुंच ये 310. मेरा है, मेरा वादा है कि आपको एक एक चैप्टर में इतना प्रश्न करवाएंगे इतना प्रश्न करवाएंगे कि चैप्टर को, को, को देख के प्रश्न को देख के आपको खुशी होगी प्रश्न को देखकर आप नहीं भागेंगे आपको देखकर प्रश्न भागेगा ऐसा मैं आपको तैयार करना चाहता हूं मैं आपको ऐसा तैयार करना चाहता हूँ खाली झारखंड स्थापना दिवस मनाने से नहीं होगा नौकरी लेने से होगा नौकरी लेने से होगा दो चार छः पांच पहले पहले चार जोड़ा फिर पांच जोड़ा फिर छह जोड़ा पहले चार फिर पांच फिर छह पहले चार फिर पांच फिर छह नौ में चार जोड़ दो तेरह बारह में पांच जोड़ दो सत्रह और पंद्रह में छह जोड़ दो इक्काईस एम क्यू यू एम क्यू यू ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर टोरटॉइज तो रेप्टाइल है टोर तो क्या है रेप्टाइल है तो स्नेक एम्फीवी नए व्यवहार नहीं है, है? मैम स्पाइडर क्या है रेप्टाइल स्नेल क्या है मोलस्क, हाँ बताइए आंसर बताइए थोड़ा सा नॉलेज दिखाइए दोस्तों थोड़ा सा नॉलेज दिखाइए थोड़ा सा नॉलेज दिखाइए थोड़ा सा नॉलेज दिखाइए एक बध्यान रखिएगा सार्क मेमल में भी नहीं आता है स्पाइडर रेप्टाइल में भी नहीं आता है तो फिर क्या हो जाएगा घोंघा जानवर होता है जैसे कछुआ प्रजाति का जानवर होता है मोलस्क प्रजाति का जानवर होता है मैंने साइंस के सर को एक दिन पढ़ाते हुए सुना था ये वाली बात आ जाइए तीन सूरजमुखी का पीले रंग से ठीक वही संबंध है जो रक्त का अरे इसका आंसर हंड्रेड आना चाहिए इसका आंसर हंड्रेड आना चाहिए इसमें अगर कोई गलती कर दिया तो समझ लो

जिंजर इज अ स्टेम आपको पता है कि अदरक स्टेम होता है चिल्ली एक फल होता है खूब खाओ इस फल को चिल्ली क्या होता है चिल्ली इज फ्रूट। हाँ, खूब खाना इस फ्रूट का खूब सेवन करो खाते समय भी मजा देगा आ जाओ तीन सौ चौदह लिजाड का संबंध रेप्टाइल से भी है लिजाड का संबंध रेप्टाइल से है तो टोड का संबंध टोड मतलब मेढक का संबंध किससे होगा बताइए लिजार्ड का संबंध रेप्टाइल से तो आपको पता है कि लिजार्ड क्या है लिजार्ड इज रेप्टाइल लिजार्ड इज रेप्टाइल टोड इज अम्फीबियन टोड किस प्रजाति का जानवर होता है एम्फीबियन एम्फीबियन उसको बोलते हैं जो जल में भी रहता है थल में भी रहता है दोनों जगह रह सकता है अजय क्वेश्चन नंबर 315 सौ सात भाई सात और चार से पैंसठ कैसे बनेगा ये सोचना है हमेशा बड़े नंबर को टारगेट करो हमेशा बड़े नंबर को क्योंकि टारगेट हमेशा बड़े लोग कौन पूछता है टारगेट हमेशा बड़े होते हैं छोटों को कौन पूछता है? को है तो भाई सात का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर कर दो ना पैंसठ आ जाएगा आ आ जाएगा जाएगा कि नहीं तो पांच का स्क्वायर पच्चीस सोलह पच्चीस प्लस सोलह बराबर इकतालीस मारो मोहर लगाओ ठप्पा ऑप्शन नंबर बी ही होगा आंसर पक्कम पक्का आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीन सौ सोलह मेरे प्यारो भाई तेरह का संबंध पैसठ से है तेरह का संबंध पैंसठ से है तो तेरह पचे पैंसठ तेरह पचे पैंसठ तेरह पचे पैंसठ ढूंढो तब तक से ऑप्शन इक्कीस पचे, पचे। तो 155, एक नहीं एक सौ पांच होता है सत्रह पचे पचासी होता है बारह पचे साठ होता है उन्नीस पचे पंचानवे उन्नीस पचे पंचानवे तीन सौ सत्रह इंपॉर्टेंट का संबंध एसेंशियल से है महत्वपूर्ण का संबंध अनिवार्य से है तो क्या लग रहा है कि दोनों सिनोनिम है ना दोनों क्या है सिमिलर वर्ड्स है सिमिलर वर्ड्स है उसी प्रकार से भयंकर और भयावह भयंकर और भयावह क्या है दोनों सिमिलर वर्ड्स है बोलो हाँ या ना क्वेश्चन नंबर तीन सौ अठारह में आ जाओ सोलह चार और सोलह चार और अस्सी मैं बार बार बोल रहा हूं हमेशा बड़े नंबर को टारगेट करो हमेशा बड़े नंबर को टारगेट करो बताओ इतना देर बाबा सोलह को चार से गुना कर दो सोलह चौके चौसठ अ प्लस में फिर से इसी सोलह को जोड़ दो तो चौसठ प्लस सोलह तो तेरह पचे पैंसठ और प्लस में इसी तेरह को जोड़ दो पैंसठ प्लस तेरह अठहत्तर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए समझ गए बात अरे समझ में आया तो एक बार सबको थम्सअप कर दो निम्नलिखित चार में से तीन संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है जबकि कोई एक अलग है अलग संख्या का चयन करें इकहत्तर सतासी उनसठ या तिहत्तर इसमें क्या आपको अलग लग रहा है अनकेडमी के सारे टीचर लाजवाब हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सतासी हो जाएगा क्योंकि सतासी प्राइम नंबर नहीं है उनतीस या सतासी उन्तीस के टेबल में आ जाता है इकहत्तर भी प्राइम नंबर है उनसठ भी प्राइम नंबर है, तिहत्तर भी प्राइम नंबर है आ जाइए प्रश्न संख्या तीन सौ बीस प्रश्न संख्या तीन सौ बीस प्रश्न संख्या तीन सौ बीस बताइए इसका आंसर क्या होगा तीन सौ बीस का चौबीस और अड़तालीस को जोड़ दीजिए बहत्तर हो जाएगा अब बहत्तर का आधा कर दीजिए छत्तीस हो जाएगा ढूंढिया ऐसा कहाँ पर है छब्बीस और अंठावन को जोड़िए आठ छः चौदह आधा तो करने से यूनिट डिजिट पर टू होगा पाँच नौ चौदह चार चार आठ एक नौ चौरानवे का आधा सतहत्तर नहीं होता है पंद्रह प्लस उनचास चौसठ चौंसठ का आधा तो सैंतीस नहीं होता पच्चीस प्लस उनचास पाँच नौ चौदह दो चार सात और एक दो चार छ और एक सात चौहत्तर का आधा सैंतीस हो जाता है आंसर क्या बनेगा डी प्रश्न संख्या थ्री ट्वेंटी वन में आ हो का स्क्वायर प्लस चारे और चालीस है ना तो क्या हो रहा छ का स्क्वायर प्लस चार सात का स्क्वायर प्लस चार संबंध मनुष्य का भीड़ से ठीक वही संबंध है जो संबंध छात्र का वर्ग से सिनेमा से गैंग से या फैमिलीस तो बहुत सारे मानव मनुष्य जब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो उसको क्राउड कहा जाता है तो बहुत सारे छात्र जब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है क्लास कहा जाता है आज ये three twenty three th का संबंध hl से है तो जीके का संबंध किससे हो तो प्लस चार प्लस चार का लॉजिक चल रहा है डी में प्लस चार करेंगे एच एच में प्लस चार करेंगे एल तो जी में प्लस चार करेंगे के के में प्लस चार करेंगे ओ ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर थ्री ट्वेंटी फोर सोलह प्लस पच्चीस इकतालीस और इकतालीस गुना दो बेरासी तो छत्तीस प्लस उनचास नौ छ पंद्रह पचासी होगा पचासी गुना दो एक सौ सत्तर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा पेपर का संबंध पेन से है तो वैसा ही संबंध कहां पर दिया हुआ है तो भाई पेपर और पेन के माध्यम से लिखा जाता है ब्लैकबोर्ड पर चौक के माध्यम से लिखा जाता है आंसर ए हो जाएगा तीन सौ छब्बीस देखो इंटू थ्री प्लस फोर का लॉजिक चल रहा है पंद्रह तिया पैंतालीस चार उनचास उनचास तिया एक सौ सैंतालीस और चार एक सौ इक्यावन तो डायरेक्ट तीन गुना दिख रहा है पच्चीस तिया पचहत्तर चार उनासी उनासी तिया सताइस इन सत नहीं, नहीं जाएगा ये भी नहीं जाएगा पांच तिया पंद्रह पंद्रह चार उन्नीस उन्नीस तिया संतावन संतावन चार इकसठ यही जाएगा नंबर डी आंसर प्रश्न संख्या थ्री ट्वेंटी सेवन डीआई का संबंध केन से है तो पीक्यू का किससे होगा डी का संबंध केन से है तो पीक्यू का किससे होगा तो सात चार ग्यारह नौ पांच चौदह प्लस फोर प्लस फाइव तो सोलह चार बीस सत्रह पांच बाईस भी ऑप्शन है प्रश्न संख्या तीन सौ अट्ठाइस में आई आठ नवा बहत्तर एक बढ़ के ग्यारह गुना बारह एक सौ बत्तीस आंसर यही हो जाएगा तीन सौ उनतीस हनी का संबंध अगर बी से है एक का संबंध किससे होगा तो आपको पता है कि मधुमक्खी ही मधु देता है तो चिड़िया अंडा देती है तीन सौ तीस में आ जाइए सोलह चौके चौसठ चौसठ पचास तीन सौ बीस इंटू फोर इंटू फाइव पंद्रह चौके साठ साठ तीन सौ नहीं दस चौके चालीस चालीस पच्चे दो सौ ऑप्शन सी तीन सौ इकतीस में आ जाइए मुंबई कैपिटल मुंबई कैपिटल कहाँ का कैपिटल है महाराष्ट्र मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र का तो येन करेंसी है जापान का जगह और कंट्री तो मुद्रा आ जाइए तीन सौ बत्तीस मशीन का संचालक से ठीक वही संबंध है जो कार का बताइए तो आपको पता है कि ऑपरेटर हैंडल अ मशीन सिमिलरली ड्राइवर हैंडल कार थ्री थर्टी थ्री थ्री थर्टी थ्री चौसठ सौ और तीन सौ तो चौसठ में सौ जोड़ दीजिए एक सौ चौसठ हो जाएगा गुना में दो कर दीजिए तीन सौ आ जाएगा अब हम लोग को ढूंढना है कि वैसा ही कहां पर है तो पच्चीस प्लस उनचास कर दीजिए इतना हो जाएगा? चौहत्तर चौहत्तर का डबल कर दीजिए एक सौ अड़तालीस तीन सौ चौंतीस में आ जाए तीन सौ चौतीस तो पैतालीस उनचास और सैंतालीस दिया हुआ है पैंतालीस और उनचालीस को जोड़ दीजिए नब्बे चार चौरानवे और चौरानवे का आधा कर दीजिए सैतालीस अब देखिए कैसा ही कहां पर है तो ऑप्शन नंबर डी में पैंतीस और उनसठ को जोड़ दीजिए नौ पाँच चौदह पाँच चौरावे चौरानवे हो रहा है चौरानबे का आधा सैंतालीस तो जैसा ये है वैसा ही ये है ऑप्शन नंबर डी बस इतनी सी बात है आज मैंने आप लोगों को 84 क्वेश्चन करा दिए और थोड़ा देर और सुन लीजिए सटरडे यानी कि कल संडे यानी कि परसों और मंडे यानी कि नरसों ये एक बजे वाली क्लास यूट्यूब पर ना होकर के ऐप पर होंगी एक बजे से स्पेशल क्लास होंगी आपको कुछ नहीं करना है कहीं नहीं जाना है बस मोबाइल का दूसरा ऐप खोल लेना है अपने अनकेडमी लर्नर ऐप डाउनलोड किया होगा आप एक बजे से YouTube खोलते हैं कल एक बजे से वही ऐप खोल लीजिएगा वहां पर मैं मिल जाऊंगा खत्म बात समझ में आ गया ये बात और वहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 335 से आगे करूंगा 335 से आगे कैरी करूंगा ब्लड रिलेशन का पूरा एक क्लास ही करा चुके मतलब तीन क्लास करा चुके हैं अरविंद कुमार यादव जी थोड़ा सा स्पेशल क्लास देखा करिए आप लोग ईमेल मांगता है तो नहीं है ईमेल आईडी आपके पास स्पेशल क्लास में मैं टॉपिक वाइज चीजें कवर करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज तो 334 क्वेश्चन यहां से हुआ है 335 से स्पेशल क्लास कल आपको कुछ नहीं करना है सिंपली यूट्यूब ना खोल करके आपको कहीं मोटरसाइकिल दौड़ाना नहीं यूट्यूब ना खोल करके ऐप खोल लेना है बस खत्म कैसे नहीं वेरीफाई होगा एकदम वेरीफाई होगा चलिए सबने वीडियो को लाइक कर दिया है ना उम्मीद कर रहे हैं कि कर ही दिए होंगे नहीं किए तो नहीं है सब कुछ चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन आज के लिए फिलहाल इतना ही है। मिलते हैं अगले क्लास में जय हिंद वंदे मातरम सभी को मन लगा के पढ़िए आप सभी लोगों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारी बधाइयां और छठी मैया आप लोगों का बेड़ा पार करें थैंक यू वेरी मच